हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल आयुष किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं व्हिप्ड क्रीम। बहुत लोग इसे घर पर बनाना बहुत ही टफ काम समझते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप इसे इजीली घर पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं, अगर आप इन सिंपल स्टेप को फॉलो करेंगे जो मैंने अपनी रेसिपी में बताया है। और आप इसे पुडिंग, केक या फिर पेस्ट्री किसी में भी यूज कर सकते हैं या फिर शेक में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल सी रेसिपी को। व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है स्टील का, उसमें हम कुछ आइस क्यूब डाल लेंगे। आप चाहें तो कांच का बाउल भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने दूसरा कांच का बाउल इसमें सेट कर दिया है जिसमें हम व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे। इसको मैंने एक घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से बनकर तैयार हो। ये इसका मेन पार्ट है। आप बाउल को एक घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। तो अभी हम यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम ले लेंगे और उसको इस तरीके से इसके रैपर को ऊपर से कट कर देंगे ताकि इसमें से जो क्रीम है वो ईजिली बाहर निकल आए। और ऊपर से कट करने के बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें जो थिक पार्ट है उसको हम एक स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे और इसमें जो लिक्विड बचेगा उसको अलग कर देंगे। ये इसका मेन पार्ट है। आप इस बात का खास ध्यान रखें, अगर आपको व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरीके से बनानी है तो आप इसका थिक पार्ट ही इसमें ऐड करें और जो इसका लिक्विड पार्ट बचेगा उसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे किसी बाउल में या फिर कप में। उसको आप करी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें विस्क या फिर मिक्सर का यूज़ ना करें। मैंने उसे ट्राई करके देखा है, हमारी व्हिपिंग क्रीम नहीं बनती है, बस टाइम ही वेस्ट होता है। तो अभी हम जो स्पीड है हैंड ब्लेंडर की लो ही रखेंगे, एक पर यानी की, और उसको इस तरीके से घुमाते हुए लो स्पीड पर चलाते रहेंगे। जब आपको इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखे तो हम क्या करेंगे, ब्लेंडर को ऑफ कर देंगे। बहुत ही आसानी से व्हिपिंग क्रीम घर पर बनकर तैयार हो जाती है अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो क्रीम है वो बिल्कुल चिल्ड लेनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें 2 बड़े चम्मच शुगर ऐड कर लेंगे। शुगर हम छान कर लेंगे, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर के वो नहीं रहने चाहिए, वरना जो हमारी क्रीम है वो स्मूथ बनकर तैयार नहीं होगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, ब्लेंडर की स्पीड 1 से 2 कर लूंगी और इसको इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको चलाते रहेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको स्पीड थोड़ी और बढ़ा देंगे और इसी तरीके से चलाते रहेंगे। आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। देख सकते हैं अभी ये जो ब्लेंडर पर से है वो गिर रही है, तो इसको थोड़ी देर और चलाएंगे, 1 से 2 मिनट तक। एक बात का ध्यान रखें, आप ब्लेंडर की स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा ना रखें, वरना हमारी जो क्रीम है वो बटर छोड़ देगी और वो बनेगी नहीं। अगर आप चाहें, अगर आपकी क्रीम नहीं बन रही है तो आप क्या करें, उसको थोड़ी देर फ्रिज में और रख दें, फिर उसके बाद बनाना शुरू करें तो वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। अभी हमारी जो क्रीम का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार हो गया है, ये गिर नहीं रहा है ब्लेंडर पर से, आप देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्लेंडर ऑफ कर देंगे और इसको किसी बाउल या पेस्ट्री वगैरह, आप जो भी बना रहे हैं केक पेस्ट्री पुडिंग वगैरह, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।